राम राम सारे ने। आज कति कसूती की धूप निकल रही है और ठंड का मौसम था, कल तक कति धुंध पड़न लग रही थी, आज बढ़िया मौसम है, कति कसूती धूप है, देखो बढ़िया वाली। संडे का दिन अपने आराम से 10 बजे उठे हैं आज तक। कनिका तो हमारी आज 8 बजे उठ गई थी, उठ के उसने टीवी देखना रहा है सुबह सुबह, फिर चिक्कू ने खिलाना रहा है और खुद खाना पीना रहा है, तो खुद खाया चिक्कू ने खिलाया और हम उठे हैं 10 बजे। आज का मेन प्रोग्राम खेतों में जाने का भाई, सरसों के फूल खिल रहे हैं जोरदार, तो उड़ी जाएंगे, उससे पहले सारे काम काम निपटा लेते हैं, नहाना धोना जो भी हमारा बाकी है। एरोप्लेन लर्निंग सेंटर है यहाँ पे, जो नए पायलट आते हैं वहाँ सिखाने का परीक्षण दिया जाता है यहाँ पे मेहसाणा में। सो ये प्लेन चलते रहते हैं, स्पेशली सैटरडे संडे तो बहुत चलते हैं यहाँ पे। कनिका ने आज की है पेंटिंग, और पेंटिंग कैसी बनी है कमेंट में जरूर बताएं। ये कनिका ने पेंटिंग बनाई है, कमेंट में जरूर बताएं कैसी बनी है, अच्छी बनी है, बुरी बनी है, जैसी बनी है, कमेंट में जरूर बताएं। टाइम हो रहा है भाई 2:15 बजे का, और हमने बनाया है बाजरे का खिचड़ा, और ये थाली में घाल कर हम पीवेंगे। कति एक नंबर का बनाया भाई, कति जो है हरियाणा का खाना, देसा में देस हरियाणा, इधर दूध दही का खाना। चिक्कू नींद का आनंद लेते हुए, आहा आ गई भाई नींद, बिट्टू सो गए। समय हुआ है 4:45 का और हम निकले खेतों में जाने के लिए, बस 5-7 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो हम आ गए हैं हरे भरे हरियाले वाले खेतों में, नज़ारा देखो, सरसों के फली आ गई और ये बथुआ देखो, ये फुल प्लेस बथुआ, चील, यहाँ गुजरात में चील बोलते हैं इसको। ये देखो नजारा, सरसों, ये गेहूं, तो ये है नजारा सरसों का। देखिए सरसों के फूल आ रहे हैं और फली धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है, आई थिंक टाइम लगेगा इसमें पकने में। ये देखिए क्या नज़ारा है, ये है गेहूं जो कि अभी बस ज्यादा टाइम नहीं, निकले ही है। देखो ये दवाई मारे बस मर को, देखो सारे दवा की वजह से बथुआ फिनिश हो चुका है। आज हमारे चिकू ने एक नया खेल सीखा है, उठा बेटा उठा, वेरी गुड, ये डस्ट उठा के और बोर्ड साफ करने जा रहा है। चिक्कू डस्ट उठा के बोर्ड साफ करने जा रहा है, उठा उठा, मैंने बोर्ड पे कुछ नहीं, मुझे बाद में भाई, चलो उठाओ डस्ट उठाओ, नाचना बाद में। हाँ तो ये होममेड डस्टर, हाँ लेके जाओ होममेड डस्टर, ये कानून ने बनाया है, चलो साफ करके आओ, जाओ अंदर जाओ इनसाइड, चिक्कू अंदर जाओ बेटा अंदर जा, उठा ले जा ये सामान तो लेके आ सके, चलो स्टाइल देखो उसकी, ओहो हम हिंदुस्तानी फौजी बन गया चिक्कू हमारा, चिक्कू फौजी, हाँ देख पहले देखो भाई, उठाओ 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 भाई चिक्कू फौजी, अच्छे से पकड़ो फौजी बन जा भाई, अरे तो पैर चला रहे, अरे हम हिंदुस्तानी हैं, फौजी बन चिक्कू फौजी बन जा, पकड़ो पहले इसको मुंह में जाओ ना, प्रोग्राम नहीं बना नहीं। समय हुआ है 6:15 और शाम का जो नाश्ता है वो जलेबी, राजस्थानी जलेबी और समोसे के साथ में, ठीक। और बताओ आप कैसा फील कर रहे हैं, आप जलेबी समझ रहे हैं कैसा, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं, सुबह मैंने नहीं खाया था। सुबह जो हमने खिचड़ा बनाया था वो हमने कानून ने नहीं खाया खिचड़ा, सुबह से वो वेट कर दी, कुछ ना बाहर से आए मटीरियल, जलेबी खाओगे आप, अरे वाह ये मीठी जलेबी खा रहा है ना, नहीं
खाता है जूस पिएगा इसका। जा रहा कि नहीं जा रहा अंदर? चटनी भी निकल कर तैयार हो गई है। आपको कैसा लग रहा है? टेस्टी है कि नहीं? एक नंबर। आप तो खाना है नहीं, आपको तो ऐसे घूमते रहना इधर उधर है, खाना बनाना ही नहीं। आज हमने ट्राई किया मोनाको का पिज्जा फ्लेवर जो कि बहुत अच्छा है, तो हमने एक पैकेट ऑलरेडी खोल लिया है, तो वो हम देखें। तो कुछ इस तरह का आता है और एकदम पिज्जा की फील देता है। और अब हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं चीकू को देकर, इसका कुछ रिएक्शन अभी तो नहीं है। इसको दे दो एक बार, मुंह में डाल दो फिर लेके चले जाओ। चलो, पर टूट गया आराम से। तो अभी ये भाग क्या, क्या फ्लेवर बेटा, मजा आया? नहीं फ्लेवर नहीं, इसको अच्छा लग रहा था। तो ये चीकू, अरे ये आवाज किसने अलग? मैं दे रहा हूँ। तो पापा के घुटनों में दर्द है लेकिन फिर भी चीकू के लिए बैठे हैं पापा नीचे, बताओ। तो मैं भी अभी खड़ी थी, अब मैं बैठ गई। ए मेरे बच्चे, ले मेरे, ओ बच्चा। और कमेंट्स में बताना कि चीकू क्या खा रहा है। जैसे बहुत सारे लोग समझ रहे हो, ओ तो ये चीकू लेके चला गया। तो ये है बाजरे का आटा, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया इससे मैंने बोल दिया। ये रे पापा, ये रे चीकू। अरे बढ़िया से। तो इस तरह से वो जो आता है वो बाहर आ जाता है और चीकू खाता रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मम्मी बना रही है बाजरे की रोटी जो अभी दिखेगी नहीं आपको। फिनिश। तो फिनिश हो चुका चीकू का। आ जाओ ये बाजरे की रोटी जो कि मिट्टी के तवे पर रेडी हो रही है, साथ ही हमने बनाया है मूली की भुज्जी। मूली के पत्ते और मूली से मिलाकर ये भुज्जी होती है, मूली की भुज्जी बहुत ही टेस्टी होती है। हमारे हरियाणा में जोरदार खाओ इसने। और चीकू पहुंच गया पानी पीने के लिए। आह पीले पीले बेटा पीले, उसपे से पी लूंग नल पे से ही गर्दन भीग जाएगी तेरी। हाथ में पीले आराम से, हाथ थोड़ा खोलो यार, आगे उंगली खोल दो, उंगली उंगली खोल दो, उंगली पीले। सौंस सौंस के पीते बस। ये डिनर की थाली रेडी हो गई है, बाजरे की रोटी के ऊपर देसी घी घर का, मूली की भुज्जी, और ये है सलाद जो कि दो टाइप की हल्दी है और साथ में नींबू नमक। चलिए कीजिए स्टार्ट। रोटी बाद में, पहले चीकू खाएगा। ये बाजरे की रोटी अंदर का है, बाजरे की रोटी का अंदर का निकाल के हम चीकू खिलाते हैं। बहुत शान से खाता है। लिबर्टी। और मैं खा